दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें भारत को 28 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। अब इन दोनों टीमों के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले की शुरुआत 2 फरवरी से विशाखापट्टनम में खेली जाएगी। इसके पहले भारतीय टीम को दो बड़े झटके लगे हैं। विराट कोहली ने पहले से ही दो मैचों में खेलने से मना किया था। अब दो खिलाड़ी और चोटिल होकर टीम से बाहर हो गए हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से वह दो खिलाड़ी कौन है जो टीम से बाहर हुए हैं और इसके बदले किसको मौका मिला है, ये सब अपने वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को दो बड़े झटके लगे हैं। रविंद्र जडेजा और KL राहुल चोटिल होकर दूसरे टेस्ट के लिए टीम से बाहर हो गए हैं। BCCI ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी है। दूसरे टेस्ट की शुरुआत 2 फरवरी से हो रही है। जडेजा को एड़ी के बीच में चोट लगी है, जबकि राहुल ने जांघों में दर्द होने की शिकायत की है। दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम की ओर से शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज KL राहुल और रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। बता दें कि भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली ने यह बात पहले ही बता दी थी कि पहले दो टेस्ट में वो व्यक्तिगत कारण की वजह से भाग नहीं लेंगे। भारतीय टीम के लिए दूसरा टेस्ट जीतना बेहद जरूरी है। इसके पहले ही दो खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं। इनके बदले 3 खिलाड़ियों को हुई है एंट्री। बोर्ड ने बताया कि BCCI की मेडिकल टीम दोनों की निगरानी कर रही है। इसी के साथ चयन समिति ने इन दोनों के रिप्लेसमेंट के तौर पर 3 खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। 3 खिलाड़ी के रूप में बल्लेबाज सरफराज खान, बाएं हाथ के स्पिनर सौरभ कुमार और ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को भारतीय स्क्वाड में शामिल किया गया है। सुंदर इंग्लैंड लायंस के खिलाफ भारतीय ए टीम का हिस्सा थे। अब इंडिया ए में सुंदर के रिप्लेसमेंट के तौर पर सौरभ जैन को शामिल किया गया है। इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच आखिरी मैच 1 फरवरी से अहमदाबाद में खेला जाएगा। BCCI ने यह भी बताया कि आवेश खान भले ही भारतीय टीम का हिस्सा हो, लेकिन वह रणजी ट्रॉफी में अपने मध्य प्रदेश टीम के साथ यात्रा करते रहेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें स्क्वाड में बुला लिया जाएगा। जडेजा और राहुल इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया के संकट मोचक के तौर पर उभरे थे। पहली पारी में राहुल ने 86 रन जबकि जडेजा ने 87 रन बनाए थे। हालांकि इन पारियों के बावजूद टीम इंडिया पहला टेस्ट हार गई थी। सरफराज पिछले कुछ सीजन में घरेलू क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज में से एक हैं। लेकिन चयनकर्ताओं ने इंग्लैंड के खिलाफ दो टेस्ट के लिए टीम चुनते वक्त उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। सरफराज ने 45 फर्स्ट क्लास मैच में 69.85 की औसत से 39.12 रन बनाए हैं। उन्होंने 14 शतक और 11 और शतक लगाए हैं, जिसमें नाबाद 301 उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है। पिछले काफी समय से उनकी टीम में मांग की जा रही थी और अब यह मौका आ गया है। वहीं सुंदर भारत के लिए 4 टेस्ट खेल चुके हैं, इसमें उन्होंने 6 विकेट लिए हैं। 89 रन देकर 3 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी रही है। इसके अलावा सुंदर ने 66.25 की औसत से 265 रन भी बनाए हैं, इनमें 3 और शतक शामिल है। नाबाद 96 रन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा है। सुंदर 26 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 55 विकेट लिए। 87 रन देकर 6 विकेट उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी रही है। इसके बाद सौरभ कुमार है, जो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी माहिर है। 30 साल के बाएं हाथ के स्पिनर सौरभ कुमार पहले भी भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन अब तक अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू नहीं कर सके हैं। वह 68 फर्स्ट क्लास मैच में 290 विकेट ले चुके हैं। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, ये तीनों खिलाड़ी अच्छा है या नहीं, अपना भी कीमती राय अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।